नमस्कार साथियों, संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा के पेपर टू के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इसमें हम देखेंगे कि जो प्रश्न पेपर टू में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और उनके संभावित उत्तर क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक एक, परिच्छेद एक, जो ये सेट सी का प्रश्न है। इसमें दिया गया है कि इसमें नीचे सात परिच्छेद दिए गए हैं, उनके नीचे आने वाले प्रश्नांकों के उत्तर देने हैं और इस प्रश्नांकों के उत्तर केवल इन परिच्छेदों पर ही आधारित होने चाहिए। ये सात प्रश्नांक हैं। पहला परिच्छेद है पैसेज वन, वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI बहुत से वायु प्रदूषकों की मापों को एकल संख्या अथवा अनुमापांतक रेटिंग के जोड़कर दिखाने का तरीका है। आदर्श रूप से इस सूचकांक को सतत रूप से अद्यतन अपडेट बनाए रखा जाता है और यह विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध रहता है। AQI सर्वाधिक उपयोगी तब होता है जब बहुत सारे वायु प्रदूषक आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हों और जब वायु के स्तर हमेशा तो नहीं लेकिन आमतौर पर निम्न रहते हैं। इन दशाओं में यदि प्रदूषण स्तर कुछ दिनों के लिए अचानक बढ़ जाए तो जनता वायु गुणवत्ता चेतावनी की प्रतिक्रिया से शीघ्रता से निरोधक कार्यवाही जैसे कि घर के भीतर रहना कर सकती है। दुर्भाग्य से शहरी भारत के हालत ऐसी नहीं है। कई बड़े भारतीय शहरों में प्रदूषण स्तर इतने अधिक होते हैं कि वे वर्ष के ज़्यादातर दिनों में स्वास्थ्य के मानकों अथवा नियामक मानकों से ऊपर बने रहते हैं। यदि हमारा सूचकांक दिन पर दिन लाल खतरनाक दायरे में बना रहता है तो किसी के लिए भी ज़्यादा कुछ करने लायक नहीं रहता सिवाय इसके कि इनकी उपेक्षा करने की आदत बना लें। अब इसमें पूछा गया है कि उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तार्किक और तर्कसंगत निष्कर्ष इंटरफेरेंस निकाला जा सकता है। इसके चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, हमारे शहरों को वायु प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए हमारी सरकारें पर्याप्त रूप से जिम्मेदार नहीं हैं। ऑप्शन बी, हमारे देश के वायु गुणवत्ता सूचकांकों की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन सी, हमारे बड़े शहरों के बहुत से निवासियों के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक सहायक नहीं है। और ऑप्शन डी, प्रत्येक शहर में प्रदूषण संबंधी समस्याओं के बारे में जन जागरूकता बढ़ानी चाहिए। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, हमारे बड़े शहरों के बहुत से निवासियों के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक सहायक नहीं है। इसका जो विस्तार है यह इस प्रकार भी है कि जैसे शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर बहुत अधिक बढ़ गया है तो यदि वे वायु सूचकांक के आधार पर कार्य करेंगे तो वो दैनिक जीवन भी नहीं जी पाएंगे। तो वायु गुणवत्ता सूचकांक उस जगह के लिए है जहाँ पर कभी वायु का प्रदूषण कम होता है या ज़्यादा होता है, लेकिन यदि हमेशा ज़्यादा ही रहता है तो वह सूचकांक शहरों के बहुत से निवासियों के लिए सहायक नहीं हो सकता। उन्हें उसी प्रकार जीना पड़ेगा खतरे के हालात में। अगला परिच्छेद है परिच्छेद टू, उत्पादक नौकरियों जॉब विकास के लिए महत्वपूर्ण है और अच्छी नौकरी रत्तम प्रकाश का समावेशन है। हमारी आधी से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है परंतु अन्य देशों के अनुभव से पता चलता है यदि कृषि में प्रति व्यक्ति आय पर्याप्त रूप से बढ़ानी है तो कृषि पर निर्भर उद्योगों की संख्या में कमी लानी चाहिए। जहां एक ओर उद्योग में नौकरियां सृजित की जा रही हैं वहीं असंगठित क्षेत्र में बहुत सारी नौकरियाँ निम्न उत्पादकता वाली गैर संविदागत नौकरियाँ होती हैं जिसमें कम आय और न के बराबर सुरक्षा दी जाती है तथा कोई हित लाभ नहीं दिया जाता। इसकी तुलना में सेवा क्षेत्र में नौकरियां उच्च उत्पादकता वाली होती हैं परंतु सेवाओं में रोजगार वृद्धि हाल के वर्षों में धीमी रही है। उपयोग परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तार्किक और तर्कसंगत निष्कर्ष इंटरफेरेंस निकाला जा सकता है, जिसके चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, रोजगार वृद्धि और समायोजन को सुनिश्चित करने के लिए हमें अत्यधिक उत्पादक सेवा क्षेत्र की नौकरियों के तीव्रतर विकास की परिस्थितियों को उत्पन्न करना आवश्यक है। ऑप्शन बी, आर्थिक वृद्धि और समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए हमें खेतिहर कामगारों को अत्यधिक उत्पादक विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में स्थानांतरित करना आवश्यक है। ऑप्शन सी, हमें कृषि क्षेत्र
कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ कृषि क्षेत्र से बाहर उत्पादक नौकरियों में तीव्रतर विकास की परिस्थितियों को उत्पन्न करना आवश्यक है। और ऑप्शन डी, कृषि में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि लाने के लिए हमें उच्च उपज वाली संकर किस्मों और अनुवांशिक रूपांतरित जेनेटिक मॉडिफाइड फसलों की खेती पर बल देना आवश्यक है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, रोजगार वृद्धि और समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए हमें अत्यधिक उत्पादक सेवा क्षेत्र की नौकरियों के तीव्रतर विकास की परिस्थितियां उत्पन्न करना आवश्यक है, क्योंकि यदि तीव्र तौर पे हम विकास की परिस्थितियों को करेंगे तब ही जाकर कृषि में आधारित लोगों का संख्या घटेगा और लोगों का आय बढ़ेगा। हमारी आधी से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, इस कारण हमें ऐसे स्थानों को तलाश करना होगा जहां पर अत्यधिक उत्पादन होता है, क्योंकि इनसे आय भी बढ़ेगी और सुरक्षा भी बढ़ेगी लोगों की। अगला पैसेज जो है वो है भूमि उपयोग के दृश्य भूमि पैमाने के उपागम अप्रोच से संरक्षित क्षेत्रों के बाहर और अधिक जैव विविधता को प्रोत्साहन मिल सकता है। वर्ष 1998 में प्रभंजन हरिकन मिच के दौरान पर्यावरणीय कृषि पद्धतियों के उपयोग करने वाले फार्मों का पारंपरिक तकनीकों के उपयोग करने वाले फार्मों की तुलना में क्रमशः होंडुरास, निकरागुआ और ग्वाटेमाला में 58%, 70% और 99% कम नुकसान हुआ। कोस्टा रिका में वनस्पतिक वातरोधों, विंड ब्रेक्स और बाढ़ कतारों के उपयोग से पक्षी विविधता में वृद्धि के साथ साथ किसानों की चारगाह और कृषि से होने वाली आय में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई। प्राकृतिक अथवा अर्ध प्राकृतिक आवास के निकटतर कृषि भूमि होने पर मधुमक्खियों से होने वाला परागण अधिक प्रभावकारी होता है। यह निष्कर्ष महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्व की 107 अग्रणी फसलों को 87% परागण करने वाले जंतुओं पर निर्भर है। कोस्टा रिका, निकरागुआ और कोलंबिया में वन पशुचारी सिल्वोपास्टलर प्रणालियां, जिसमें पेड़ चारागाह भूमियों के साथ एकीकृत हैं, पशु उत्पादन की धारणीयता में सुधार ला रही है और किसानों की आय में और विविधता और वृद्धि ला रही है। उपयोग परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तार्किक और तर्कसंगत निष्कर्ष इंटरफेरेंस निकाला जा सकता है, जिसमें चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, जैव विविधता को बढ़ाने वाली कृषि पद्धतियां प्रायः फार्म उत्पादन वृद्धि और आपदाओं के प्रति असुरक्षितता को कम करती है। ऑप्शन बी, विश्व के सभी देशों को पर्यावरणीय कृषि के स्थान पर पारंपरिक कृषि करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी, संरक्षित क्षेत्रों में वहाँ की जैव विविधता को नष्ट किए बिना पर्यावरणीय कृषि की अनुमति दी जानी चाहिए। और ऑप्शन डी है, खाद्य फसलों की उपज तब अत्यधिक होगी जब उनकी खेती में पर्यावरणीय कृषि पद्धतियां अपनाई जाएंगी। तो इसका जो सबसे ज़्यादा तार्किक उत्तर है वह है ऑप्शन ए, जैव विविधता को बढ़ाने वाली कृषि पद्धतियां प्रायः फार्म उत्पादन में वृद्धि और आपदाओं के प्रति असुरक्षा को कम करती है। इसका विस्तार ये है कि जैसे होंडारो, निकरागुआ और ग्वाटेमाला में 58%, 70% और 99% कम नुकसान हुआ, साथ ही साथ जहां पर विश्व की 107 अग्रणी फसलों का 87% परागण पर आधारित है, तो हमें जैव विविधता वाले किस्मों को बढ़ावा देना होगा जिससे कि जो परागण इत्यादि का कार्य है वह प्रभावित ना हो सके। इसलिए ऑप्शन ए, जैव विविधता को बढ़ाने वाली कृषि पद्धतियां प्रायः फार्म उत्पादन में वृद्धि और आपदाओं के प्रति असुरक्षा को कम करती हैं, बहुत ही तर्कसंगत निर्णय है। अगला परिच्छेद है परिच्छेद 4, पैसेज 4। भारतीय विनिर्माण के लिए मध्यावधि चुनौती निम्नतर से उच्चतर प्रौद्योगिकी क्षेत्रों, निम्नतर से उच्चतर मूल्यवर्धित क्षेत्रों और निम्नतर से उच्चतर उत्पादकता क्षेत्रों की ओर बढ़ने की है। मध्यम प्रौद्योगिकी उद्योगों में मुख्य रूप से अत्यधिक पूंजी लगी होती है और उसमें संसाधनों का प्रक्रमण होता है, और उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों में मुख्य रूप से अत्यधिक पूंजी और प्रौद्योगिकी लगी होती है। संपूर्ण जीडीपी के विनिर्माण के हिस्से को प्रकल्पित 25% तक बढ़ाने के लिए भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को विश्व बाजार के उन
क्षेत्रों पर कब्जा करने की आवश्यकता है जिनमें बढ़ती हुई मांग की प्रवृत्ति है। इन क्षेत्रों में अधिकांश रूप से उच्च प्रौद्योगिकी और पूंजी लगी होती है। तो इसका सबसे तार्किक और तर्कसंगत निर्णय पहचानना है, जिसके चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, मध्यम प्रौद्योगिकी और संसाधनों का प्रक्रमण करने वाले उद्योगों में भारत की GDP उच्च मूल्यवर्धित तथा उच्च उत्पादकता दर को दर्शाती है। ऑप्शन बी, भारत में अत्यधिक पूंजी और प्रौद्योगिकी वाले विनिर्माणों का संवर्धन करना संभव नहीं है। ऑप्शन सी, भारत को अनुसंधान और एवं विकास प्रौद्योगिकी उन्नयन और कौशल विकास में सरकारी निवेश बढ़ाना चाहिए और गैर सरकारी निवेशों को प्रोत्साहित करना चाहिए। और डी है इसका ऑप्शन, भारत ने पहले ही विश्व बाजार के उन क्षेत्रों में बड़ा हिस्सा प्राप्त कर लिया जिसमें बढ़ती हुई मांग की प्रवृत्ति है। तो इसका सर्वाधिक तर्कसंगत निष्कर्ष जो है वह ऑप्शन ए है, वह है मध्यम प्रौद्योगिकी और संसाधनों का प्रक्रमण करने वाले उद्योगों में भारत की GDP उच्च मूल्यवर्धित तथा उच्च उत्पादकता स्तरों को दर्शाती है। जो ऑप्शन बी है वह भारत में अत्यधिक पूंजी और प्रौद्योगिकी वाले विनिर्माणों का संभव संवर्धन करना संभव नहीं है, इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है। साथ ही ऑप्शन सी जो है अनुसंधान और विकास के बारे में जो है वह भी उसका कोई उल्लेख नहीं है। और ऑप्शन डी, भारत ने विश्व बाजारों के उन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है, यह भी गलत है क्योंकि इसमें पैसेज में दिया हुआ है कि भारत को विश्व बाजार के उन क्षेत्रों पर कब्जा करने की आवश्यकता है जिसकी बढ़ती हुई मांग की प्रवृत्ति है। तो तीनों ऑप्शन गलत है और ऑप्शन ए सही है इसका। अगला पैसेज है, पिछले दशक में दौरान भारतीय कृषि खाद्यान्न एवं तिलहन का रिकॉर्ड उत्पादन करने के साथ और अधिक सुदृढ़ हुई है। इसके परिणाम स्वरूप बढ़ी हुई खरीद से भंडार गृहों में खाद्यान्न के स्टॉक में भारी बढ़ोतरी हुई है। भारत चावल, गेहूं, दूध, फलों और सब्जियों के विश्व शीर्ष उत्पादकों में से एक है। फिर भी विश्व भर के न्यून पोषित लोगों का एक चौथाई भारत में है। औसत रूप से कुल देश के कुल परिवारों के लगभग आधे परिवारों का कुल व्यय का लगभग आधा व्यय भोजन पर होता है। इसका सर्वाधिक तार्किक उपनियम पहचानना है, अर्थात लॉजिकल कोरोलरीज, मोस्ट लॉजिकल कोरोलरीज पहचानना है। तो इसके ऑप्शन है ए, गरीबी और कुपोषण को दूर करने के लिए खेत से थाली फार्म टू फोर्क तक की मूल्य श्रृंखला की दक्षता में बढ़ोतरी करना जरूरी है। ऑप्शन बी, कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी करने से भारत में स्वतः ही गरीबी और कुपोषण दूर हो जाएगा। ऑप्शन सी, भारत की कृषि उत्पादकता पहले से ही बहुत अधिक है और इसे और अधिक बढ़ाया जाना आवश्यक नहीं है। और ऑप्शन डी है, सामाजिक कल्याण और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए अधिक निधि का आवंटन करने से भारत से गरीबी और कुपोषण का अनंततः उन्मूलन हो जाएगा। तो इसका जो सर्वाधिक तार्किक उत्तर हो सकता है वह है ऑप्शन बी, कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी करने से भारत में स्वतः ही गरीबी और कुपोषण दूर हो जाएगा। जो ऑप्शन ए है वह खेत से थाली तक की मूल्य श्रृंखला में दक्षता में बढ़ोतरी की इसमें कोई बात नहीं की गई है। साथ ही ऑप्शन सी में कहा गया है कि उत्पादकता पहले से बहुत अधिक है और इसे अधिक बढ़ाया जाना आवश्यक नहीं है, लेकिन यदि न्यून पोषित के एक चौथाई लोग भारत में हैं तो और उन सभी परिवारों का आधे परिवार का कुल व्यय का लगभग आधा व्यय भोजन पर होता है, तो हमें और अधिक उत्पादन बढ़ाना होगा जिससे जो मूल्य है उत्पाद का वह कम होगा, तो लोगों को अपना जो आय है वो कम मात्रा में खाद्यान्न के खरीदी पर लगाना पड़ेगा। साथ ही जो ऑप्शन डी है उसके बारे में कोई भी उल्लेख नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए इसका जो है बी वो ही सबसे तर्कसंगत निर्णय है इसका। परिच्छेद 6 पैसेज 6, राज्य मोतियों के समान है तथा केंद्र वह धागा है जो उन्हें हार में पिरोता है, यदि धागा टूट जाए तो मोती बिखर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त कथन को संपुष्टि करता है? ऑप्शन है ए, शक्तिशाली केंद्र और शक्तिशाली राज्य एक मजबूत संघ फेडरेशन बनाते हैं। ऑप्शन बी, शक्तिशाली केंद्र राष्ट्रीय अखंडता हेतु एक बंधनकारी शक्ति है। ऑप्शन सी, शक्तिशाली केंद्र राज्य स्वायत्तता में बाधा है। और ऑप्शन डी, राज्य की स्वायत्तता संघ फेडरेशन के लिए पूर्वापेक्षा है। तो इसका जो
सबसे उपयुक्त कथन की संपुष्टि है वह है ऑप्शन बी, शक्तिशाली केंद्र राष्ट्रीय अखंडता हेतु एक बंधनकारी शक्ति है। इस पैसेज में यह दिया गया है कि राज्य मोतियों के समान है और केंद्र धागा है, तो इसमें अखंडता की बात की गई है क्योंकि धागा और मोतियों की बात में एक यूनिटी या एकता की बात होती है, तो ऑप्शन बी इसका सही है। अगला पैसेज है परिच्छेद 7 में, वास्तव में मेरा मानना है कि इंग्लैंड के में निर्धनतम व्यक्ति को भी एक वैसा ही जीवन जीना है जैसा कि महानतम व्यक्ति को, और इसीलिए सच में मैं मानता हूँ कि यह स्पष्ट है कि हर उस व्यक्ति को जिसे सरकार के अधीन रहना है सबसे अपनी सहमति से स्वयं को सरकार के अधीन कर देना चाहिए, और मेरा यह अवश्य मानना है कि इंग्लैंड का निर्धनतम व्यक्ति सही अर्थ में ऐसी सरकार से कतई बंधा हुआ नहीं है जिसके अधीन स्वयं को करने में उसकी कोई राय नहीं रही हो। उपयुक्त कथन के किसके समर्थन में तर्क प्रस्तुत करता है, ऑप्शन ए संपत्ति का सबको समान वितरण, ऑप्शन बी शासकों की सहमति के अनुसार शासन, ऑप्शन सी निर्धनों के हाथ में शासन, और ऑप्शन डी धनिकों का स्वत्व हरण एक्सप्रोप्रिएशन। तो इसका जो सर्वाधिक तर्कसंगत तर्क है वह है ऑप्शन बी, शासकों की सहमति के अनुसार शासन। इस पैसेज में उल्लेख है कि उस व्यक्ति, ये मैं मानता हूँ कि यह स्पष्ट है कि हर व्यक्ति को जिसे सरकार के अधीन रहना है सबसे पहले अपनी सहमति से स्वयं को सरकार के अधीन कर देना चाहिए। इसमें इसने कहा हुआ है लेखक ने कि शासकों की सहमति के अनुसार इसे अपना निर्णय शामिल कर देना चाहिए, ना तो इसमें संपत्ति के बारे में कोई वर्णन है, ना तो निर्धनों के हाथ में शासन देने का कोई निर्णय है, और ना ही धनिकों का स्वत्व हरण की कोई बात है। इसमें पूरी तरह से सहमति सरकार के अधीन कर देने की है। यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा के प्रश्नोत्तरी में आज के लिए इतना ही साथियों। आपसे अनुरोध है कि अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ें और अपना मार्गदर्शन और सहयोग हमें इसी प्रकार प्रदान करते रहें। धन्यवाद।